हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश एनएचएम की ओर से स्टाफ नर्स की वैकेंसी पोस्ट जारी किया गया था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स बात कर रखा है। यहाँ पे हम जानेंगे कैसे इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यदि आप इस पेज पर विजिट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप गूगल में सर्च कीजिए इस लिंक को, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म जो एक्टिवेट किया गया था तो इसकी अप्लाई करने की डेट बताई गई थी 13 को, लेकिन फॉर्म अप्लाई 15 से होना स्टार्ट हुआ है। तो आज लगभग 16 तारीख है, तो मैं भूल चुका था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इस भर्ती को अप्लाई करेंगे। तो आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे करना है, आपको इसमें सर्च करना है स्टाफ नर्स की पोस्ट। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट मिल जाएगी, 2023 की ये पोस्ट है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, नीचे आपको पेड करने का ऑप्शन मिलेगा या तो रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाएगा, आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया आपको मिल जाएगा, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन की गई है। यहाँ पे कस्टमर केयर की आपको ऑप्शन मिल जाएगी, अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप इस पर फोन करके इनके द्वारा आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉग इन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे स्टार मेंशन की गई है उसे मैंडेटरी आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका नाम लिखा जाएगा, नाम में मिस्टर मिसेज या प्रोफेसर ये सब कुछ यूज आपको नहीं करनी है। अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, इसके बाद लास्ट नेम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एंड यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे माता का नाम लिख लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर शो होगा, इसमें अपने डेट ऑफ बर्थ को सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। आप मेल है या फीमेल है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, सिर्फ 10 अंक की मोबाइल नंबर लिखेंगे, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। इसके बाद आपको नीचे करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। यूजर आईडी अपने मन मुताबिक इसमें सर्च करके बनाएंगे, इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जाबिर जोन लिख दे रहा हूँ, आप कोई और भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं या आपका खुद का पर्सनल नाम यहाँ पे लिख लेंगे। यदि अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ये आपको यूजर आईडी दे दिया जाएगा। अगर ऑलरेडी इस नाम से कोई भी आईडी बन चुकी होगी तो दोबारा आपको ये आईडी नहीं मिलेगा, तो आपको कोई और नाम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, पासवर्ड में आप लोअर अपर और न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं। सभी ऑप्शंस को लिखने के बाद पासवर्ड यहाँ पे सेम दोबारा से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना है और यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा सबमिट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुल। इसके बाद यहाँ पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को लिखना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी कई सारी जानकारी ऑलरेडी फिलअप रहेंगी, कई सारी जानकारी आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अपने डोमेसिल स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी ऑलरेडी आप इसमें सेलेक्ट कर रखेंगे। इनमें से अगर आप किसी जाति में आते हैं तो आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे, यदि आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे करना है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे उनके डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं। यदि शादी नहीं हुआ तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे, तो ये ऑप्शंस आपके हाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे करना है, यदि आप 40% के विकलांग है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और उसके बाद किस प्रकार के आप विकलांग है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप नहीं है तो इसमें आप नो कर लीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स आपको सबमिट करना है। डिटेल्स को लिखने के बाद अगर आप सेम पते पर रहते तो यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। किसी और पते पे रहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को हटाएंगे और जिस पते पे रहते हैं आप वो पता आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एड्रेस को लिखने के बाद जस्ट आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए आप सीरियल वाइज क्वालिफिकेशन इसमें ऐड करेंगे, 5वीं 8वीं 10वीं इंटरमीडिएट डिप्लोमा जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 10वीं के क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपको लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख लेना है। इसके बाद सिस्टम सेलेक्ट करना है कि ग्रेड सिस्टम से पास हुए हैं या परसेंटेज से पास हुए हैं। सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर लिख लेनी है। इसके बाद टोटल कितना नंबर आप पाए हैं वो लिखना है, कितने नंबर की होती है वो लिखना है। यहाँ पे अगर परसेंटेज ऐड नहीं होता है ऑटोमेटिक तो आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखना है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करनी है।
अब ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है उसी के नीचे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इस क्वालिफिकेशन में कोई भी गलती होता है तो आप इसे रिमूव करके दोबारा से ऐड करेंगे, इसमें एडिट आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपने इंटरमीडिएट और जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो एक एक करके इसमें आप ऐड करेंगे। तो चलिए जितना भी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगा जाता है वो क्वालिफिकेशन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन को ऐड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना है, इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करनी है। फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में लिया गया है, मिनिमम जो इसकी साइज होनी चाहिए 5 KB की। अपलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना फोटो आप जहाँ पे रखे हैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाना है, फोटोग्राफ को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोटो को इसमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे सही का बॉक्स मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे प्रॉपर ऐड हो जाएगा। इसके बाद अपने सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद दोनों ऑप्शन के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपका फोटो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। इसके बाद अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है, इसकी जो साइज मांगी गई है 200 KB की, जेपीजी फॉर्मेट में ये अपलोड करनी है। जहां पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप रखे हैं वहां पे आपको जाना है, अपने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, सेम प्रोसेस करना है, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेनी है। सभी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगी। अपने प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए आपको नीचे करना है, यहाँ पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल को प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस अभी ये आपका फॉर्म कंप्लीट अप्लाई नहीं हुआ है, ये अभी आपका प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, अभी आपको फॉर्म अप्लाई करना है सिलेक्ट करके जो आप स्टाफ नर्स के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर होम का ऑप्शन मिल जाता है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी पोस्ट लिस्ट जारी की गई है आपको डायरेक्ट उसी पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपको नीचे करना है। हम ये फॉर्म स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करना है, इसके बाद अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यदि आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है सभी डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक एड कर लिया जाएगा, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आईडी आपको दिखाया जाएगा। अब आपको नीचे करना है, यदि आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप इसमें एलिजिबल नहीं होते तो आपको डायरेक्ट मैसेज मिल जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं होने का कारण आप जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो होना चाहिए, यदि वो क्वालिफिकेशन आपके प्रोफाइल में नहीं ऐड है तो आप इस भर्ती पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपने सभी जानकारी को देख लेने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टाफ नर्स मेल है या फीमेल है आपको जस्ट इस ऑप्शन में चेकबॉक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है। अब जो भी एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने क्वालिफिकेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अपने क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे करना है। यदि आपने मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है। यहाँ पे गाइस आपको यस करना है, आप इसमें नो मत कीजिएगा। क्या आवेदक ने COVID-19 के दौरान कम से कम संविदा स्टाफ नर्स के पदों पे 89 दिनों का आपने कार्यरत किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद अपने 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। जस्ट यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज 200 केबी की मांगी गई है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेम साइज और सेम फॉर्मेट मांगा गया है। बीएससी नर्सिंग या अगर जीएनएम की सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद एक आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे, कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पे एड्रेस के रूप में अपलोड कर सकते हैं जिसकी साइज 500 केबी की मांगी गई है पीडीएफ फॉर्मेट में। नर्सिंग काउंसलिंग जो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराया है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद वर्क सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो स्टाफ नर्स की COVID-19 के दौरान आपने वर्क किया है वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा बनवा सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। अपना 10th का मार्कशीट जहां पे रखे हैं वहां पे जाना है, अपने मार्कशीट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार 12वीं के सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए जहां पे अपना सर्टिफिकेट रखे हैं वहां पे आपको जाना है, अपने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके ओपन करना है, आपकी सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगी। बीएससी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं एक एक करके अपलोड कर लेनी है। तो चलिए सभी फाइल्स को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके इसे एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार
सोमवार से ये आवेदन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपने अभी इस फॉर्म की फ़ी पेमेंट नहीं की है। लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म की जब आप फ़ी पेमेंट कर लेते हैं तभी आपकी आवेदन फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट होगी। इसके लिए आपको नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट और पेमेंट का। आपको पेमेंट करने के लिए जस्ट आपको इस पेज पर क्लिक करना है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पेज को प्रिंट कर रखा है। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा, कियोस्क या सिटीजन। आप जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। कितना अमाउंट फी आपको पेमेंट करना है चार्ज जोड़कर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट कीजिए। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद पेटीएम के द्वारा इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या तो अदर UPI के द्वारा पेमेंट करना है तो आप अदर UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आप इस भर्ती को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। आगे की प्रोसेस सिर्फ आपको पेमेंट करना है, इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म की PDF सेव करके रख लेनी है। सो आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।